में, संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुलूम के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हम का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम का देखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसको देने के बारे में बोला था कि आपको आप 3 दिन के लिए धरना छोड़ के हट जाइए, आपको 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो अधिकारी लोग कभी नहीं चाहता है कि होमगार्ड जवान को नियमित रूप से ड्यूटी मिले। और कहीं कहीं 2-4 लोग ऐसा वैसा लोग है तो उसको हम लोग चूड़ी सिंदूर का भी व्यवस्था कर दिए हैं कि जिसको चूड़ी सिंदूर पहनाएंगे। फिर उससे बोले कि मेरे को पेपर दिखाइए कि आप किस बिना पर मुझको अरेस्ट कर रहे हैं, मेरा कौन सा जुर्म है, कौन सा मैंने क्राइम किया है। पूरा जब हंगामा खड़ा कर दिए, पूरा कमांडेंट पे चिल्लाने लाने लगे, तब जाकर फिर हमको फिर वो छोड़ दिया। फिर एक साथी को पकड़े नीचे ले जाकर बंद कर दिया था, वहीं पर मुख्यालय में। हम वहाँ पे मेरे को जो नोटिस किया उसको जवाब देने के लिए गए थे। हाँ हाँ, रिश्वत देने के बारे में बोला था कि आपको आप 3 दिन के लिए धरना छोड़ के हट जाइए, आपको 50,000 रुपये दे रहे हैं। इस तरह बात बोला जाता। तो ये क्यों ऐसे, मतलब आपको क्या? वो इसलिए देखिए, ये सब लोग जान रहा है कि राजीव तिवारी यहाँ पर है तो धरना यहाँ चल रहा है। उसको पता है कि यहाँ पे जो है कि ये पूरा दिन रात मेहनत करते रहते हैं हम यहाँ पर। सबको पता है, इससे पहले भी हमको इस तरह से मेरे साथ किया जा चुका है। तो अधिकारी लोग कभी नहीं चाहता है कि होमगार्ड जवान को नियमित रूप से ड्यूटी मिले, तो इसीलिए इस तरह का ये है। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन आया? अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। उच्च अधिकारी की तरफ से भी कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल झूठ मूठ का वार्ता के लिए उस दिन बुलाया गया एडिशनल होम सेक्रेटरी से, तो वो भी बेकार का, कुछ नहीं था। केवल उस दिन आंदोलन को कमजोर करने का रणनीति लोगों का था कि वो लोग लगा कि कहीं ये लोग घेर दे, कहीं तोड़ फोड़ ना कर दे, तो इसीलिए प्रशासन के लोग जो है कि दिखावा किए कि हम लोग वार्ता करा रहे हैं। कुछ वैसा वार्ता कुछ नहीं। आपको क्या लगता है जितने होमगार्ड लोग आपके जो लौट रहे हैं सभी लोग आ जाएंगे आपके कहने पे? सब कुछ आप लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब जवान आ रहे हैं। सब लोगों को सूचना हो गई? हाँ, सबको सूचना हो गई, सब लोग आ रहे हैं। और कहीं कहीं 2-4 लोग ऐसा वैसा लोग है तो उसको हम लोग चूड़ी सिंदूर का भी व्यवस्था कर दिए हैं कि जिसको चूड़ी सिंदूर पहनाएंगे। जहाँ महिलाएं हैं उनको जो है कि मुंह पे काजल उजल लगाएंगे हम लोग, मतलब महिलाएं लोग लगाएंगे उनको। अच्छा। तो सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसा बिहार में हुआ था ना, बिहार का भी बड़ा इतिहास हम लोग रखी झारखंड राज्य का होमगार्ड जवान बचेगा आंदोलन का। तो आपको लगता है कि आप लोग का मांगे को पूरा किया जाएगा? मुख्यमंत्री जी पे भरोसा तो है, क्योंकि वो बार बार, एक बार नहीं कई बार वादा कर चुके हम लोग के बीच में आकर कि हम मेरी सरकार बनाइए। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब? मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। अच्छा, बाद उनसे मेरी वार्ता बातचीत हुई थी। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो मैं गुलदस्ता लेकर उनके आवास पर गया था, वहाँ भी उन्होंने कहा था। उसके सचिवालय पे मैं 2 महीने पहले गया था, सचिवालय पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोरोना का है। तो सबसे बड़ी बात है, कोरोना का बहाना जैसे ये सरकार बार बार बना रहा है। तो अभी जो क्रिकेट का आयोजन किया गया सरकार के द्वारा, तो वो भी तो आम जनता का पैसा था, कोई मुख्यमंत्री जी का तो पैसा था नहीं, तो क्रिकेट का आयोजन क्यों किए? अभी होली मिलन समारोह विधानसभा में मनाया। जब झारखंड की जनता भुखमरी की दौर से गुजर रही है, होमगार्ड के जवान परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं, तो इस परिस्थिति में जब इतने दुखी उनकी जनता है, तो उस परिस्थिति में होली मिलन समारोह का क्या आयोजन करना था उनको? तो वो अगर होली मिलन समारोह का आयोजन करना ही था तो अपने पैसे से करते। जब पैसा है ही नहीं सरकार के पास, तो फिर आखिर पैसे का नाजायज यूज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मेरा ये कहना है, सरकार अगर चाहती, अगर कदम आगे बढ़ाना चाहती, तो एक आदेश, छोटा सा आदेश निकाल देती कि जितने भी राज्य सरकार के अंतर्गत विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, सरकारी उपक्रम हैं, बैंक हैं, ATM हैं, उनमें सुरक्षा के ड्यूटी के रूप में केवल होमगार्ड्स की ड्यूटी दी जाएगी, तो मेरा एक भी जवान ड्यूटी से नहीं बैठा, सबका ड्यूटी मिलता। सरकार स्टेप तो बढ़ाती है। अभी तक कितने मंत्री आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे बात अभी बात हम लोगों की हुई है, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी से हुई है, माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी से हम लोगों की बातचीत हुई है। उनके तरफ से क्या आश्वासन है? उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि आपकी मांग, कोई भी नहीं कहता कि आपकी मांग ना जायज है, सब लोग कहते हैं कि मांग जायज है। आज तक का, कल तक का सत्र में कोई बात उठा आपका? हम लोग की आवाज़ तो विधानसभा में उठी है, बहुत ज़्यादा लोग विधायक हैं, बहुत से विधायक उठाए हैं, विपक्ष विपक्ष भी उठाए हैं, पक्ष भी उठाए हैं, पक्ष के लोग भी। हाँ, बंधु तिर्की जी पक्ष विधायक हैं। देखिए, अगर ऐसा, अगर आपको मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है तो उम्मीद करना चाहिए। जी जी, है ना। और आश्वासन हम लोग तो वही है कि हम लोग संयम से चल रहे हैं। जिस दिन संयम की शक्ति खत्म, देखिए जैसे पैसा सबके पास खत्म हो रहा है, हम लोग किसी से कोई ना कोई विधायक पैसा दिया ना कुछ दिया, हम लोग खुद से अपना चंदा उंदा करके जैसे तैसे करके अपना घर चला रहे हैं। घर में कोई खेती करता है तो घर से वहाँ चावल ला रहा है, तो कोई दाल ला रहा है, तो कोई आलू ला रहा है, कभी लकड़ी। कल चाईबासा जिला का लड़का लोग जो है कि लकड़ी खरीद के लाए 1,000 का, आज जहाँ तहाँ से लकड़ी काट काट के हम लोग ला कर यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत बुरा स्थिति है। और हम लोग का होमगार्ड जवान, आप सोच लीजिए कि 18,000 में से मात्र 9,000 ड्यूटी मिलता है। तो कई ऐसा जिला है, जो छोटा छोटा जिला है, जहाँ पर कि जवान का बहाली पूरा कर लिया गया,
लेकिन ड्यूटी बहुत कम है, तो वहाँ पर एक साल में नहीं तीन तीन साल में जवान को ड्यूटी मिलता है, और जो घूस दे दिया उसको लगातार ड्यूटी चल रहा है। तो आपको लगता है कि आप लोग में भी कहीं कोई खामियां होगी ऐसा कुछ इस तरह का सरकार ने खामी हम लोग ऐसे हो रहा है कि खामी हम लोग नहीं हो रहा है खामी हम लोग में नहीं है, खामी तो सरकार में है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वराज भवन में आए थे, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मुझे पता है कि होमगार्ड जवानों के साथ कितना परेशानी उनको किया जाता है, रिश्वत लेकर उनको ड्यूटी लगाई जाती है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब उनको जानकारी है। जब मैं मुख्य सचिव महोदय सुखदेव सर से मिलने के लिए गया उनके धरना के दौरान ही, तो सुखदेव सर ने भी कहा कि मुझे पता है कि हर एक जिला में राम बिहारी ओझा, मतलब राम बिहारी ओझा एक रांची में होमगार्ड के दलाल थे, तो उस तरह के सभी जिला में राम बिहारी ओझा बैठे हुए हैं, तो होमगार्ड जवान को लेते हैं। तो हम लोगों ने बताया सर बकरी बेचकर ये बेचकर वो बेचकर ड्यूटी लेते हैं, तो उनको भी जब मुख्य सचिव को पता है मुख्यमंत्री को पता है उसके बाद भी हमारी ड्यूटी की व्यवस्था वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। नहीं, ऐसे भी अधिकारी सब हैं जो कि आप लोग को लुकआउट देख रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का भी मांगे को पूरा किया जाए। आपको अधिकारी लोग से मिले, आपको किनके तरफ से आश्वासन सबसे ज़्यादा? अधिकारी हमको तो केवल एक DI साहब थे जिनसे बात हुई, तो DI साहब ने खुद कहा, नरेंद्र सर, उन्होंने कहा कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं और इसके आपकी मांग का हम लोग समर्थन करते हैं। कोई भी अधिकारी हमारी मांग का खिलाफ नहीं किया अभी तक, कोई भी अधिकारी नहीं किया है, और लेकिन फिर भी उसके बाद ही इस तरह का स्थिति हम लोग के साथ किया हुआ है। सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आ रहा है कि हाँ हम क्या आपकी दिक्कत है, क्या परेशानी है। मुख्यमंत्री जी जब नहीं मुख्यमंत्री थे तो बार बार हमारे पास आते थे, और आज जब बन गए हैं तो देखने भी नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं, आपको उम्मीद कीजिए। जी जी जी, सरकार अगर आप लोग बनाए हैं, हम लोग सभी लोग झारखंड वासी लोग बनाए हैं, तो उम्मीद कीजिए कि आश्वासन पूरा होगी और हम लोग भी साथ हैं आपका। जी जी जी, पूरा मीडिया चैनल आपके साथ है। जी 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 सर, हाँ, तो आप लोग आवाज पहुँच रहे हैं। जी जी जी, तो उम्मीद कीजिए कि सब कुछ सवाल होगा। जी 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 जी, और बस ख्याल रखिए सबका, कोरोना की वजह से भी बच्चा लोग भी है और सभी लोग बच्चा को छोड़ के भी आए हैं ना, उनको भी ध्यान रखते हुए अपना कार्य कीजिए। ठीक है सर, जी जी, धन्यवाद।